गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम जो इसके बारे में बात करने वाले थे वो आज का क्लास का हमारा टॉपिक है एंगल प्लेट। तो जैसे कि प्रत्येक क्लास की तरह हम लोग आज भी पिछले क्लास में क्या पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग आज के क्लास को पढ़ेंगे और देखेंगे कि आज का क्लास क्या है। तो पिछले क्लास में हम लोग एंगल प्लेट का इंट्रोडक्शन को देखे थे, एंगल प्लेट किस प्रकार से कार्य करता है उसके बारे में हम लोग जाने थे, एंगल प्लेट किस मटेरियल का हमारा बना होता है और उसका साइज के आधार पे किस प्रकार से वो पाया जाता है, इसके बारे में हम लोग पीछे के क्लास में हम लोग बात कर चुके हैं। और आज हम जो बात करने वाले हैं आज के क्लास में हम लोग उसी एंगल प्लेट के ग्रेड के आधार पे कैसे एंगल प्लेट को डिवाइड किया गया है उसके बारे में हम लोग बात करते हुए आगे हम लोग एंगल प्लेट्स के टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग एंगल प्लेट के ग्रेड के बारे में जानते हैं। तो एंगल प्लेट क्या होता है हमारा? एंगल प्लेट हमारा दो ग्रेड में पाया जाता है। कितने ग्रेड में पाया जाता है? ग्रेड वन एंड ग्रेड टू, दो ग्रेड में हमारा पाया जाता है। क्या होता है एंगल प्लेट हमारा? ग्रेड वन और ग्रेड टू, दो ग्रेड में हमारा पाया जाता है। आज हमारे पास थोड़ा सा ट्राइपॉड मेरा टूट गया है इसीलिए हम पिक्चर के माध्यम से बताना पड़ रहा है, नेक्स्ट क्लास में ट्राइपॉड लेते आएंगे। ग्रेड वन वाली एंगल प्लेट अपेक्षाकृत अधिक शुद्ध होता है। क्या होता है? यहाँ पे दो ग्रेड का हमारा क्या होता है? एंगल प्लेट पाया जाता है। कौन कौन सा? ग्रेड वन और ग्रेड टू। तो वन ग्रेड वाली एंगल प्लेट हमारा क्या होता है? अपेक्षाकृत अधिक परिशुद्ध होता है। एक ग्रेड वाला क्या होता है हमारा? अपेक्षाकृत अधिक शुद्ध होता है, जो कि प्रायः टूल रूम में प्रयोग किया जाता है। क्या होता है हमारा? जो कि प्रायः टूल रूम में प्रयोग किया जाता है। कौन सा ग्रेड वाला एंगल प्लेट? ग्रेड वन वाला एंगल प्लेट हमारा टूल रूम में प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग ग्रेड टू की बात करें तो ग्रेड टू का एंगल प्लेट प्रायः हमारा कहाँ पे यूज होता है? मशीन शॉप में हमारा इसका प्रयोग किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? मशीन शॉप में। तो ग्रेड वन कहाँ पे यूज किया जाता है? टूल रूम में, जो कि ग्रेड टू की अपेक्षाकृत क्या होता है? अधिक परिशुद्ध होता है। और ग्रेड टू वाला मशीन शॉप बोले तो वर्कशॉप वगैरह में हम लोग कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त भी एक हमारा एंगल प्लेट पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिसीजन एंगल प्लेट। तो प्रिसीजन एंगल प्लेट क्या होता है? इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो जहाँ भी इसका प्रयोग किया जाता है वहाँ पे क्या होता है? इसका प्रयोग इंस्पेक्शन कार्यों के लिए किया जाता है। जैसे एंगल प्लेट का ही एक्यूरेसी अगर चेक करना हो तो हम लोग इस प्रिसीजन एंगल प्लेट की सहायता से उस बने एंगल प्लेट का एक्यूरेसी को हम लोग आसानी से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा इसका स्पेसिफिकेशन के बारे में जानते हैं कि किस आधार पे हमारा ये इसका एंगल प्लेट का स्पेसिफिकेशन किया जाता है। तो एंगल प्लेट का स्पेसिफिकेशन उसका नंबर, ग्रेड और इंडियन स्टैंडर्ड BIS के अनुसार इसमें इंगित किया जाता है। जैसे एंगल प्लेट का साइज नंबर हमारा 2 है तो साइज 2 होगा, ग्रेड 2 तो ग्रेड 2, IS 623 ऐसे करके कंपनी का मार्का लिखा हुआ रहता है। ये हमारा क्या था? उसका स्पेसिफिकेशन। अब चलिए हम लोग एंगल प्लेट्स के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? एंगल प्लेट्स के टाइप्स के बारे में। तो जो स्टार्ट के क्लास के स्टार्ट से स्क्रीन पे हमारा जो ये एंगल प्लेट शो कर रहा है, ये एंगल प्लेट हमारा क्या होता है? प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट है। क्या है हमारा? प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट। इस प्रकार के एंगल प्लेट अपेक्षाकृत अधिक छोटे साइज का होता है। इस प्रकार की एंगल प्लेट क्या होता है हमारा? अपेक्षाकृत छोटे साइज का होता है, जो कि प्रायः मार्किंग करते समय जॉब को आश्रय देने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या होता है? मार्किंग करने के टाइम में जॉब को आश्रय देने के लिए किया जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट। इसमें किसी प्रकार का ग्रुप वगैरह नहीं कटा हुआ है इसीलिए इसको हम लोग प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट बोलते हैं। दूसरा हमारा हो जाता है सॉलिटेड एंगल प्लेट, सॉलिटेड एंगल प्लेट या फिर स्लॉटेड एंगल प्लेट। स्लॉटेड एंगल प्लेट ये क्या होता है? बस यही प्लेन एंगल प्लेट की ही तरह होता है, थोड़ा सा इसमें अंतर होता है। इसमें देख पा रहे होगा कि इसमें हमारा क्या है? स्लॉट्स बना होता है। स्लॉटेड एंगल प्लेट्स में क्या होता है हमारा? स्लॉट्स बना होता है। ये स्लॉट का हमारा क्या एंगल प्लेट में यूज होता है, जो कि हम पिछले क्लास में बात कर चुके हैं, फिर भी आज हम उसके बारे में बात करते हैं। तो स्लॉटेड एंगल प्लेट हमारा क्या होता है? स्लॉटेड एंगल प्लेट में हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो भी इन रेगुलर शेप का वर्कपीस होता है जिसपे हमको मार्किंग करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इसी एंगल प्लेट में हम लोग क्या करते हैं, उसको आसानी से
क्लैंप करते हैं, इसको क्लैंप करने के लिए जो स्लॉट दिया हुआ है इसमें बोल्ट वगैरह हम लोग आसानी से लगा सकते हैं। बोल्ट वगैरह लगाने के लिए इसमें हमारा खांचा दिया हुआ होता है। इसमें हमारा क्या होता है, एक पैरेलल डायरेक्शन में हमारा कुछ खांचे कटे होते हैं जो कि हॉरिजेंटली वर्टिकली अलग अलग डायरेक्शन में भी कटे होते हैं। वो कार्य के अनुसार से हम लोग क्या करते हैं, वर्कपीस को होल्ड करने के लिए इसमें बोल्ट की सहायता से हम लोग जॉब को और बोल्ट और क्लैंप की सहायता से वर्कपीस में इसमें होल्ड करते हुए हम लोग इसमें काम करते हैं। ये हमारा क्या था, स्लॉटेड एंगल प्लेट। अब हमारा तीसरा जो आता है स्वेवल एंगल प्लेट। स्वेवल एंगल प्लेट क्या होता है उसको भी हम लोग देखते हैं। ये हमारा क्या है, स्वेवल एंगल प्लेट। तो इस प्रकार का एंगल प्लेट हमारा क्या होता है, एडजस्टेबल होता है। क्या होता है, देखने में भी लग रहा है वो सब, जैसे देखो ये सब एंगल प्लेट हमारा था, किसी प्रकार का एडजस्ट करने का कहीं कुछ दिख रहा है नहीं ना। ये हमारा इस सब क्या है, एक ही शेप में बना हुआ, इसमें किसी प्रकार का एडजस्ट करने का कुछ नहीं। लेकिन इसमें देखो एक राउंड शेप में दिख रहा है, चांद की तरफ कुछ दिख रहा है लग रहा होगा, मार्किंग किया हुआ, तो मार्किंग ग्रेजुएशन कुछ नहीं है। वो हमारा क्या है, उसका दांत हैं, स्लॉट्स कटे हुए हैं जो कि विभिन्न विभिन्न डायरेक्शन में हम इसको मूव करा सकते हैं, घुमा सकते हैं, किस किस तरह से। तो इस प्रकार का एंगल प्लेट जो भी होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, दोनों प्लेन सरफेसों में क्या होता है, हमारा प्लेन सरफेसों को किसी भी एंगल में सेट किया जा सकता है, जिसका दोनों प्लेन सरफेसों को हमारा जो इसमें दिया हुआ है किसी भी एंगल में सेट किया जा सकता है। एंगल की सेटिंग के लिए इस पर हमारा क्या होता है, ग्रेजुएशन भी बना होता है जो कि पोजीशन में सेट करने के लिए इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, एक बोल्ट और नट लगा देते हैं। यानी कि पोजीशन में जहाँ पे सेट करके रखना है वहाँ पे उतना डायरेक्शन में रखने के बाद हम लोग इस नट बोल्ट की सहायता से इसको कस देते हैं। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, स्वेबल जो हमारा क्या है, एंगल प्लेट है, उसको हम लोग सेट करते हैं। स्वेबल एंगल प्लेट में हम लोग जब भी क्या होता है, जैसे हम लोग कोई भी जॉब का टॉप में हम लोग हमेशा जितना भी एंगल प्लेट देखा टॉप में साइड में मार्किंग वगैरह करने के लिए हम लोग उसमें कर लेते हैं। जब ये इसका इस तरह का एंगल प्लेट हमारा ज़्यादातर कहाँ पे ज़रूरत पड़ता है, जहाँ पे किसी डिफरेंट एंगल में मार्किंग वगैरह करना हो या क्लैंप करके किसी प्रकार का ऑपरेशन करना हो, कोई एंगुलर ड्रिल वगैरह एंगल में करना हो, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्वेबल एंगल प्लेट जो होता है उसका प्रयोग करते हुए हम लोग उसमें ड्रिलिंग कर लेते हैं। इससे हमारा क्या खासियत होता है, इससे हमारा क्या फ़ायदा होता है कि इसमें एक बार जॉब को बांधने के बाद हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एंगल में हम लोग इससे ऑपरेशन कर लेते हैं, इसको हम लोग किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। क्या होता है, एक हमारा एक डायरेक्शन में ये हमारा ये फोल्ड हो जाता है, ये हमारा स्टेट भी रहता है, स्टेट के साथ साथ जैसे हम लोग इसको एंगल देना चाहेंगे उस एंगल में हमारा ये फोल्ड हो जाएगा, मुड़ जाएगा और जो भी ऑपरेशन इसमें करना होगा हम लोग उसके ऊपर कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट हमारा जो बचता है वो क्या है, हमारा बॉक्स एंगल प्लेट। तो बॉक्स एंगल प्लेट हमारा क्या होता है, तो बॉक्स एंगल प्लेट देख के ही पता चल रहा होगा ये क्या है, हमारा स्क्वायर में है, पूरा बॉक्स बना हुआ है। क्या है, हमारा पूरा बॉक्स बना हुआ। इस प्रकार का जो भी एंगल प्लेट होगा अपेक्षाकृत हमारा क्या होता है, कम होता है। इस प्रकार का एंगल प्लेट हमारा अपेक्षाकृत कम प्रयोग में लाया जाता है। इस एंगल प्लेट का लाभ यह होता है कि इसमें क्या होता है, बार बार जॉब को हमको सेट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। एक बार जॉब को सेट कर देने के बाद जॉब को बॉक्स के साथ ही हम लोग घुमा घुमा के अलग अलग डायरेक्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं। इसमें मशीनिंग ऑपरेशन भी किया जा सकता है। क्या होता है, इसको घुमा घुमा कर अलग डायरेक्शन में हम लोग मार्किंग कर सकते हैं, मशीनिंग कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप का हमको कार्य करने में क्या करता है, आसानी हमको इसमें प्रदान करता है। ये हमारा क्या था, बॉक्स एंगल प्लेट। फिर से एक बार देख लेते हैं, बॉक्स एंगल प्लेट क्या है। इस प्रकार का एंगल प्लेट अपेक्षाकृत हमारा कम प्रयोग में होता है। इस एंगल प्लेट का लाभ हमारा क्या हो जाता है, एक बार सेट करने के बाद हम लोग इसमें डिफरेंट डिफरेंट एंगल में हम लोग मार्किंग कर सकते हैं, मार्किंग के साथ साथ हम लोग इसमें मशीनिंग ऑपरेशन भी कर सकते हैं। अब हमारा लास्ट इसमें जो है हमारा क्या है, प्रिकॉशन, मतलब सावधानियाँ। अब एंगल प्लेट को यूज करने के टाइम में क्या क्या सावधानी हमको बरतने की ज़रूरत पड़ती है, तो कार्य करने से पहले क्या होता है, एंगल प्लेट को साफ करना चाहिए। साफ करने के बाद उसमें मोबिल ऑयल से उसको अच्छी तरह से पोंछ देना चाहिए। उसके बाद या फिर उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, ग्रीस लगा देंगे। कार्य करने से पहले मोबिल ऑयल लगा देंगे या फिर ग्रीस लगा देंगे।
इससे क्या होता है हमारा इसमें जंग लगने से भी बच जाता है, जब हम लोग कार्य करते हैं स्लाइड करते हैं तो हमारा क्या होता है ये आसानी से किसी भी वर्क पीस पे हमारा स्लाइड करके काम कर लेता है। ठीक है, इसको कोशिश करना है कार्य करने के दौरान इसको गिरने से बचाना है, क्या करना है गिरने से बचाना है। उसके बाद क्या है हमारा एडजस्टेबल एंगल प्लेट को कार्य करने के अनुसार हम लोग क्या होता है कौन में समयोजित एडजस्ट करके नट और बोल्ट की सहायता से अच्छी तरह से टाइट कर लें। ऐसा नहीं करें कि हम टाइट किए बिना ही हम उसके ऊपर ऑपरेशन करना स्टार्ट कर दिए और वो क्या हुआ फिर से अपने जगह से पोजीशन से हिलेगा तो ड्रिलिंग ऑपरेशन करेंगे वो एंगल थोड़ा सा भटकेगा तो ड्रिल बिट ही हमारा टूट जाएगा, एक्सीडेंट होने का चांसेस हमारा बढ़ जाता है। तो ऐसे चीज़ों से बचना है, ये हमारा क्या था इसका सेफ्टी प्रिकॉशन। तो यहाँ से हमारा क्या हुआ एंगल प्लेट क्लियर हो गया। तो आज के क्लास में हम लोग एंगल प्लेट के बारे में क्या देखे, ग्रेड देखे, उसका स्पेसिफिकेशन देखे और टाइप्स ऑफ एंगल प्लेट देखे। चार टाइप के जो एंगल प्लेट हमारे कौन कौन थे, प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट, स्लॉटेड एंगल प्लेट, स्वेबल एंगल प्लेट और चौथा हमारा बॉक्स एंगल प्लेट। चारों के बारे में हम लोग आज के क्लास में जान लिए, इसके सेफ्टी प्रिकॉशन को जान लिए। अगले क्लास में जो हम बात करने वाले हैं उसमें हम लोग मार्किंग ऑफ टेबल के बारे में बात करेंगे कि मार्किंग ऑफ टेबल हमारा क्या है, वह किस प्रकार से हम लोग कार्य में यूज में लेते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में।